Hello students, so this time we are going to discuss about human resource management challenges. अगर आप future में human resource manager बनते हैं तो आपको क्या क्या challenges face करने पड़ेंगे उसके बारे में हम यहाँ पर discuss करेंगे. हमने इन challenges को three parts में divide करा है, easy to understand रहेगा ये. Then first is environmental challenges, then second is organizational challenges और तीसरा है individual challenges. वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं. एनवायरमेंटल चैलेंजेस मतलब होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का एनवायरमेंट है, ख़ासतौर से उसके बारे में हम जो चैलेंजेस है वो यहाँ डिस्कस करेंगे. आउटसाइड एनवायरमेंट मतलब होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जितने भी पार्टीज़ होती हैं, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, उनका असर हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर भी पड़ता है, हमें उनके अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है. इन द सेंस जैसे मान लीजिए कि मार्केट में जो इकोनॉमी है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, जैसे अभी एक दो साल पहले कोविड का इम्पैक्ट था पूरी इंडस्ट्रीज़ पर, तो उसका एनवायरनमेंट पर हमारी कंपनी पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, वो हमें देखना पड़ता है, फेस करना पड़ता है. इसमें क्या क्या आएगा वो अगली स्लाइड में है. लाइक रैपिड चेंज, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी. रैपिड चेंज मतलब आप जानते हैं आजकल सिनेरियो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है. आज जो प्रोडक्ट आपके हाथ में है, लैपटॉप हो या मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, वो कल पुराना हो जाएगा. तो जो रैपिडली चेंज हो रहे हैं उसी तरह से एम्प्लॉयज़ के स्किल्स में भी बहुत चेंज हो रहा है. आज जिस एम्प्लॉय को आप लाए हो वो इतना अपडेटेड होना चाहिए कि कल को अगर आप ऑटोमेटिक फंक्शन ऑटोमेशन लाते हैं तो वो उसमें एडजस्ट कर सके, अदरवाइज़ आपको उसको बार बार ट्रेनिंग देते रहना पड़ेगा. इसके अलावा वर्कफोर्स डाइवर्सिटी देखने में आती है. आज लोग किसी भी जगह पर जॉब करने के तैयार हैं. लोग छोटे शहरों से बड़े शहरों में जा रहे हैं, बड़े शहरों से और मेट्रो सिटीज़ में जा रहे हैं, मेट्रो सिटी से लोग फॉरेन में जाना चाह रहे हैं, यूरोपियन नेशंस में जाना चाह रहे हैं, मूव हो रहे हैं, कैनेडा शिफ्ट हो रहे हैं, यूएस शिफ्ट हो रहे हैं. तो ये सारी चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है. अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी जो एम्प्लॉई हैं, नॉट नेसेसरी कि वो उसी टाउन के हों, हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग साउथ से हों, केरला से हों, कुछ कश्मीर से हों, नॉर्थ ईस्ट के हों या वेस्ट के हों. तो ऐसे सिचुएशन में आपको उन सबको एडजस्ट करके चलना पड़ता है. ये रैपिड चेंज है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा. देन उसके बाद में वर्कफोर्स डाइवर्सिटी हमने अभी डिस्कस करी. जितना हो सके ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर कोशिश करता है कि एम्प्लॉयज़ को इस तरह का एनवायरनमेंट दे जिसमें वो एडजस्ट कर सकें. देन इसके बाद है ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन मतलब आप जानते ही हैं आज सिचुएशन ये है कि हर कोई अलग अलग कंपनीज़ इंडिया में आ रही हैं, इंडिया की कंपनीज़ बाहर जा रही हैं. तो ग्लोबलाइजेशन के कारण पूरा दुनिया एक छोटे गांव की तरह हो गया है, जहां हर कोई एक दूसरे को मार्केट में जानता है, कॉमन मार्केट होता है, इजी इंट्री होता है, इजी एग्जिट होता है. तो उसी तरह से कंपनीज़ इंडिया में आती हैं और इंडियन कंपनीज़ बाहर भी जाती हैं. अब ऐसे सिचुएशन में बहुत चैलेंजिंग टास्क एम्प्लॉय से परफॉर्म करवाना पड़ता है बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और वर्क फोर्स है वो आपका इफ़ेक्टिव होना चाहिए. देन लेजिस्लेशन. पुराना एनवायरनमेंट में इतने ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन नहीं थे गवर्नमेंट के, लेकिन आज लेबर लॉज, मिनिमम वेजेस एक्ट, बहुत सारे एक्ट ऐसे हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को देखते हुए भी बनाए गए हैं. तो हमें उन सारे लॉज की जानकारी होनी चाहिए. बीइंग एचआर मैनेजर आपको पता होना चाहिए कि आप किस एज से किस एज तक के लोगों से इंडस्ट्रीज़ में काम करवा सकते हैं. लाइक 14 ईयर्स या उससे छोटी एज का बच्चा किसी इंडस्ट्री में, हैवी इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकता है, दिस इज़ अ रूल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट. तो वो लेबर लॉ आपको भी मानना पड़ेगा. इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक लॉ या रूल्स होती हैं, जैसे कि जेंडर बेस पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, मेल है फीमेल है उसको सैलरी में आप फ़र्क नहीं कर सकते हो, वो भी आपको उनको सेम ही देनी पड़ेगी. देन नेक्स्ट स्लाइड है, दिस इज़ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी तो आप जानते हैं सबसे तेज़ी से चेंज हो रही है. आज कंप्यूटर हो या टेली कम्युनिकेशन हो, उसमें बहुत जल्दी तेज़ी के से आप चेंजेस देखने में आ रहा है और वो बहुत जल्दी ही आउटडेटेड भी हो जाती है. जो आज नई टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट है, वो कुछ समय बाद बहुत पुरानी हो जाएगी. तो आपको ये चीज़ को भी देखना पड़ता है कि वो बहुत ज़्यादा आपके एम्प्लॉयज़ इस चीज़ में कैपेबल हों.
देन फैमिली जॉब एंड फैमिली रोल्स भी होते हैं, और रिसेंट टाइम हम देख रहे हैं कि लोग न्यूक्लियर फैमिली में हैं, वहाँ पर हस्बैंड वाइफ हैं, दो बच्चे हैं, तो उनको भी अपनी फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है। एंड देन आपको ये भी देखना पड़ता है कि आजकल फीमेल्स भी जॉब करने आ रही हैं, तो उनके ऊपर घर का भी बर्डन होता है एंड साथ में ऑफिस का भी वर्क रहता है। तो आपको एक ह्यूमैनिटिक ग्राउंड पे उन चीज़ को भी फेस करना पड़ता है जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। सो एज अ फैमिली मेम्बर यू नीड टू ट्रीट देम। देन लैक ऑफ स्किल्स की जो कमी है वो आज है। एक एचआर मैनेजर के सामने ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। हम अक्सर ऐसा सुनते हैं आजकल कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बट एक्चुअली में अगर आप देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम अनस्किल्ड है। इसलिए आज सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह के प्लान्स चलाती हैं जिसमें लोगों को स्किल्स डेवलप की जाए, जिससे कि वो जो टेक्नोलॉजी तेज़ी से आ रही है, चेंज हो रही है, उसको वो फेस कर सकें। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उसमें आखिरी कैटेगरी है इंडिविजुअल चैलेंजेस। इंडिविजुअल चैलेंजेस मतलब हर एम्प्लॉय यूनिक होता है, अलग अलग बैकग्राउंड से होता है, अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड से होता है, और उसको भी हैंडल करना बहुत चैलेंजिंग होता है। और ऑफकोर्स उसके भी स्वभाव का, उसके रिस्पॉन्स का, उसके मोटिवेशनल फैक्टर्स का ऑर्गेनाइजेशन पर बहुत असर पड़ता है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? फर्स्ट है प्रोडक्टिविटी एंड पर्फॉर्मेंस, ब्रांड ट्रेन, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब इनसिक्योरिटी, मैचिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी। हर एम्प्लॉय का अपना अपना लेवल रहता है परफॉर्मेंस का। प्रोडक्टिविटी मतलब होता है कि आप जितना आउटपुट दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हर एम्प्लॉय उतना ही आउटपुट दे पाएगा। तो इसलिए हर इंसान की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसे मोटिवेट करना पड़ता है, और उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही हमें उसे प्रोडक्शन कराना पड़ता है। बट हमारी कोशिश ये रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकें। सेकेंड इज़ एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मीन्स होता है हम हर एम्प्लॉय को हम चाहते हैं कि उसमें कुछ हद तक उसको राइट्स दिए जाएं, वो कम से कम छोटे छोटे डिसीजन वो खुद ले सके। हर बड़े डिसीजन के लिए तो उसको मैनेजमेंट की तरफ देखना ही पड़ता है, लेकिन छोटे डिसीजन एटलीस्ट वो खुद ले सके, वो एम्पावर्ड हो, उसके अंडर अगर कोई एम्प्लॉयज़ हैं तो उनसे काम करवा सके। देन है ब्रांड ट्रेन। एक ये भी एचआर मैनेजर के सामने आज चैलेंज देखने में आता है कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो अक्सर हमारे अच्छे एम्प्लॉयज़ को हायर करके ले जाते हैं ज़्यादा सैलरी पे। हम 20,000 दे रहे हैं तो वो 22,000 या 25,000 में ले जाएंगे। तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे यहाँ का ब्रांड ड्रेनेज ना हो, इन द सेंस कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं, एंड इफ़ दे आर कैपेबल, दे आर टैलेंटेड, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू रिटेन देम। उनको हम हमेशा हमारी कंपनी में रोकने की कोशिश करें। एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, जो एम्प्लॉय होते हैं वो सभी सोसाइटी से ही आते हैं, इवन एचआर मैनेजर भी सोसाइटी से ही निकल के आता है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें सोसाइटी का भी ध्यान रखना रहता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी जो रूल्स बना रखे हैं कि हमें ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना है जो सोसाइटी को नुकसान पहुँचाए, उसी तरह से एक एचआर मैनेजर के सामने भी बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है कि उसको एम्प्लॉयज़ के साथ स्ट्रिक्ट भी रहना है, लेकिन साथ में उसको एथिक्स भी फॉलो कराने हैं और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ध्यान रखना है। जॉब इनसिक्योरिटी। देखिए, ये बहुत देखने में आता है आजकल कि जॉब बहुत इनसिक्योर हो गई है प्राइवेट जॉब्स में, खासतौर से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। तो बस जॉब इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग भी एम्प्लॉयज़ में नहीं होनी चाहिए, लेकिन चैलेंजिंग टास्क है एचआर मैनेजर के लिए कि वो एम्प्लॉयज़ को जॉब से न निकालते हुए भी उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करा सके। मतलब उसके मन में डर होना ज़रूरी है, तभी वो काम करता है आज के डेट में, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसके मन में वो डर ना हो और वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सके। मैचिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एक मैच मेकर का काम होता है, उसी तरह से
ऑर्गेनाइजेशन में एचआर मैनेजर का काम होता है कि वो इस तरह के टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ लाएं जो हमारी जॉब में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो सीट खाली है उसमें वो फिट हो सकें। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। अगली बार कुछ आगे का एचआर का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।